इन अपकमिंग डे जो 19th of July आ रही है वो तो की है जी सारे कैटेगरीज के जोड़े है एप्लीकेंट जिन्होंने पी पी आर आई हुई है पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई हुई है वो की है जी अपना पासपोर्ट जोड़ा है सबमिट करवा सकते हैं अपने स्टिकर वीज़ा वास्ते कर लो क्योंकि ये जोड़े वीर आ जिन्होंने पी पी आर आई हुई है इन्होंने भी पहला पिछले समय तो इन्होंने बहुत इंतजार किया हो सकता है वाहगुरु की कृपा नाल की है कि थोड़ा इन्होंने घट इंतजार करना पवे क्योंकि इन अपकमिंग मंथ कि सितंबर मंथ तो जिहड़ियां फ्लाइट्स जिहड़ियां हैगियां ओपन हो जाएगियां बॉर्डर जिहड़े हैगे ओपन हो जाएगी इंडिया वास्ते दैट मीनस क्या कि इन मंथ ऑफ सितंबर जो ट्रैवल हैगा वो भी एक खुलन जा रहा हजा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एसएस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग्स से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोंगे, चढ़दी कला विच होवोंगे, जिथे भी होवोंगे राजी खुशी होवोंगे, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोंगे। जिवें आपां पहलां गल करदे आए हां जी कि बाणी दी इक तुक दा आपां हमेशा सहारा लैंदे आउणे आ जी, तो आपां नूं बहुत ज़्यादा मोटीवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखण नूं मिलता है। तो वह तुक आपां कहिंदे हुंदे आ कि सहज पक्के सो मीठा होए, कि सबर रख के चलो। सहज का फल जिहड़ा हुंदा, सबर का फल जिहड़ा हुंदा, बंदे नूं बहुत दूर तक पहुँचा आंदा, बंदे नूं सारियां मंजिलां जिहड़ियां हैगियां हुंदियां मिल जांदियां। कैनेडा की इमीग्रेशन वालों जो एक नवा अपडेट दिता गया जी कि जो पासपोर्ट सबमिशन आ 19 तरीक तो लाइक इन अपकमिंग डे जो 19th of July आ रही है वो तो की है जी सारे कैटेगरीज के जोड़े है एप्लीकेंट जिन्होंने पी पी आर आई हुई है पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई हुई है वो की है जी अपना पासपोर्ट जोड़ा है सबमिट करवा सकते हैं अपने स्टिकर वीज़ा वास्ते। दैट मीनस की है कि जो पासपोर्ट स्टिकरिंग का प्रोसैस जोड़ा है वो फेज मैनर के ओपन किया गया कि रीसेंट जो वैबिनार होया भी अपन दस्या से मैं थोड़े ये इनफोरमेशन जी है शेयर भी की थी। बट हुण की है कि नवा अपडेट जोड़ा उन्होंने दिता कि पहला स्टूडेंट क्लास कैटेगरी वाले कैंडिडेट जिहड़े एप्लीकेंट सीगे सिर्फ उही अपना पासपोर्ट स्टिकर करवा सकते हैं जिन्होंने पी पी आर आई हुई सी। बट जिहड़े हुण की है उन्होंने सारी कैटेगरीज वाले जिदे कि स्पाउस ओपन ओपन वाले भी आते हैं जी, अपने जिहड़े वीर सब तो ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एक वीर ने कमेंट भी किया कि पी पी आर भाजी आई हुई है, उस भरा ने एक ने फोन भी किया कि भाजी मेरी पी पी आर आई हुई है, मैनू मेरा पासपोर्ट का घट्टो घट्ट स्टिकर तो ला दें, ट्रैवल कराने या ना कराने यार हजे मैंने कोई चक्कर नहीं। सो वीरे पासपोर्ट तुसी हुण अपना जिहड़ा है 19 तरीक तो बाद अपना ऑनलाइन जिहड़ा प्रोसैस के थ्रू अपना सबमिट करवा के अपना पासपोर्ट स्टिकर जिहड़ा है करवा सकते हो, जिहड़ी कि सब तो वड्डी एक खुशखबरी है, एक उम्मीद बढ़ जाती है कि चलो अगर पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाए बंदा तो अपनी मंजिल पर पहुँच जाता, अगर एक स्टैप भी ओपन हो जाए तो ऐ हुंदा कि चलो यार मैं थोड़ा जिहा अगे तो वध्या। तो जिहड़े है स्पैशली स्पाउस ओपन ओपन वाले वीर आ जां भैणां जिहड़ियां हैगियां वो अपना जिहड़ा एक स्टैप जिहड़ा है अगे लिजा सकते हैं जिन्हां नूं पी पी आर आई हुई है पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई हुई है। अदर कैंडीडेट्स ने जिहड़े जिन्हां नूं हजे पासपोर्ट की अपरूवल नहीं आई जां जिन्हां दी आपां कह सकते हैं कि फाइल जिहड़ी हैगी आ वह प्रोसैसिंग दे विच आ किसी की बैकग्राउंड चैक वाले स्टेटस ते आ किसी की हजे प्रोसैसिंग स्टेटस ते आ, तां तुसीं जिहड़ा हैगा थोड़ा समां तुसीं भी वेट कर लो क्योंकि ये जिहड़े वीर आ जिन्हां नूं पी पी आर आई हुई है इन्होंने भी पहला पिछले समय तो इन्होंने बहुत इंतजार किया। हो सकता है वाहगुरु की कृपा नाल की आ कि थोड़ा इन्होंने घट इंतजार करना पवे क्योंकि इन अपकमिंग मंथ आपां ये गल कह सकते हैं एक कड़ी जोड़ सकते हैं आपां इस चीज़ के अजम्पशन लगा सकते हैं जी कि जिहड़ी स्पाउस ओपन वर्क परमिट जिहड़ी प्रोसैसिंग हैगी बहुत तेजी नाल जिहड़ी हैगी शुरू कर देणगे ते जिहड़ी हैगी आ कंप्लीट फाइल आ जी जिन्हें फाइल अपनी कंप्लीट की हुई है जो उन्होंने ICCRC दी गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग अगर तुहाडी फाइल उन्होंने क्राइटेरिया मीट करती हैगी तो तुहानू अपरूवल जिहड़ी हैगी डेफिनेटली आऊगी ही आऊगी। नाल दी नाल ही जिहड़ा कि कैनेडा कैनेडियन एयरलाइन वालों एयर कैनेडा वालों जिहड़ा एक अपडेट दिता गया जी कि सितंबर मंथ तो जिहड़ियां फ्लाइट्स जिहड़ियां हैगियां ओपन हो जाएगियां, बॉर्डर जिहड़े हैगे ओपन हो जाएंगे इंडिया वास्ते, दैट मीनस क्या कि इन मंथ ऑफ सितंबर जो ट्रैवल है वो भी एक खुलन जा रहा है। हजे आप कह दिए कि इस चीज़ को अपना फिलहाल की घड़ी आप एक होप मान सकते हैं जी, क्यों क्योंकि अपने को एक उम्मीद बढ़ जाती है जो कि अपडेट आता क्योंकि बहुत सारे जोड़े है वीर जिन्हों को वीज़ाज़ है ट्रैवल बैन करके वो जा नहीं रहे क्योंकि बहुत सारे हों कि असी इनडायरैक्ट रूट तो ना ट्रैवल करिए क्योंकि बहुत सारे डर हों कोई ना कोई रिस्क नहीं आप चक सकते और चकना चाहिए भी नहीं हों अगर आप कोई एमरजेंसी नहीं हैगी। सो थोड़ा समा रुक जाने एक मंथ के दिन टाइम हैगा उस तो बाद की है कि पूरी उम्मीद है कि जो ट्रैवल जो है ओपन हो जाना है और ट्रैवल के भी कैनेडियन इमीग्रेशन ने यह चीज़ पहला कही थी कि असी अपना वैक्सीनेशन पर फोकस करना जी कि जदों साडी पॉपुलेशन जिहड़ी 80-85% अबव जिहड़ी हैगी वैक्सीनेटड हो जाऊगी तो उस तो बाद कि असीं ट्रैवल ओपन करन दा सोचांगे। सो जिवें आपां देखदे आ रहे हैं न्यूज़ दे विच वी आपां नूं दिखदा है जां आपां उहनां दे स्टैटिस्टिक्स देखदे आ तां उहदे विचों पता लगदा है कि जिहड़ी उहनां दी पॉपुलेशन आ डे बाय डे डेली बेसिस ते बहुत तेजी नाल जिहड़ी हैगी वैक्सीनेशन करवा रहे लोग क्योंकि अज्ज कल हरेक जणा नॉट ईवन कैनेडा इन इंडिया भी बहुत तेजी नाल वैक्सीनेशन चल रही है, हरेक परसन आ जिहड़ा अपनी वैक्सीनेशन करवा रहा और जो जरूरी भी हैगी आ
क्योंकि वैक्सीनेशन करवावे तो ही असं अपने आप में इस भयानक जी है महामारी इस तो बचा सकते हैं अपने नॉट ईवन कि आप अपने परिवार को अपने संगी साथियों अपने दोस्तों मित्रों आप सारे बचा सकते हैं जी। और नाल दी नाल ये खबर हैगी कि वह ट्रैवल जिहड़ा है ओपन होगा ट्रैवल ओपन दे विच ओहो ही परसन जिहड़े ट्रैवल कर सकदे आ जिन्हां ने अपनी कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाई हुई है दैट मीनस जिन्हां दे दो डोज़ जिहड़ियां हैगियां उन्हां दी वैक्सीनेशन दियां जो कोविशील्ड है इंडिया दे विच कोविशील्ड जिहड़ी हैगी उह अप्रूवल दित्ती गई है। मैं एक वीडियो पहलां भी बनाई सी उहदे विच लिस्ट ऑफ जिहड़ी हैगी आपां गल कीती सी कि तुसीं कीड़ी कीड़ी लगवा सकदे हो ते आपां कोविशील्ड ते फोकस रख के चलिया सी कि तुसीं कोविशील्ड लगवा लो जिन्हां ने हजे लगवाउणी आ। सो कोविशील्ड दी जिहदे दो डोज़ लगियां हुई जी मैडिसन दियां उह हैगा कि उह दैट मीनस की है कि उहदी वैक्सीनेशन कंप्लीट आ उहदे कोल वैक्सीनेशन अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए जी तां उह ही परसन जदों ट्रैवल ओपन हुंदा तां अपना ट्रैवल कर सकदा। सो जिहड़े मेरे वीरां ने भरावां ने जां भैणां ने उन्हां दी PPR आई हुई है उन्होंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है या किसी ने अपनी फाइल लगाई हुई है तुहाडे कोल समां हैगा तुसीं अपनी वैक्सीनेशन करवा लो उन्ने समय दे विच विच देखो ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ PPR ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੋ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੇਸਡ ਮੈਨਰ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ PPR ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਟੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੋਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਰਾਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜੈਨੂਅਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ PPR ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਰੀਅਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾਕਣ ਦੀ
सो तुसीं अपनी कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल प्रोसैस करवाना चाहते हो जी, कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल जी है प्रोसैस करवाना चाहते हो, तो रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो सानू मिल सकते हो। साडा हैड ऑफिस है जी ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन नेड़े कोटपुरा डेनगा सर्विस जत रोड कोटपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, और साडा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707850037 7708570037 और प्लीज़ बहुत सारे वीर जड़े होंगे कि उन्होंने होंगे कि असी फोन के उत्ते ही सारी गल कर लीए कि सानू ये होंगे कि सानू जाना ना पवे, फोन के उपर तुहानू जिन्नी भी पॉसिबिलिटी होंगी असी इनफॉर्मेशन जी होंगी तुहानू दे दिंदे आ, तुहानू जी एक एडवाइस होंगी आ, तुसी जिहड़ा भी क्वेश्चन होंगे असी पूरी कोशिश करते हैं कि तुहानू उस चीज़ नू प्रॉपर दस्या जाए, बट फिर भी अगर उस चीज़ नहीं होंगी तो तुसी सानू मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली सानू जी पक्का श्योरली तुसी सानू जिहड़ा हैगा उह मिल सकते हो। आउण तो पहलां प्लीज़ एक बार कॉल कर लिया करो, तां जो कई बार की हुंदा कि तुहाडा और साडा जिहड़ा दोनों समां हैगा उह खराब ना हो। धन्यवाद।